स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो आज जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस को लेकर देश समेत पूरे झारखंड में लॉकडाउन है। लोग अपने घरों में कैद हैं, जरूरत होने पर वो अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, मगर इस दौरान कई लोगों की चांदी भी हो रही है। पिछले दिनों हमने दिखाया था कि किस तरह से सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी हो रही है। उसके बाद उस खबर को चलाने के बाद, उस स्टिंग ऑपरेशन को चलाने के बाद पूरे स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप समझ गया था। अब आज हम अपने विशेष में एक ऐसी तस्वीर, एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर ये कैसा लॉकडाउन है, किस तरह से नियमों का, कायदों का, कानून का उल्लंघन हो रहा है। देशभर में 21 दिनों का लॉकडाउन जारी है। एक तरफ जहां पूरी तरह से पाबंदी है, लेकिन अगर आपके पॉकेट में पैसे हैं तो आप कहीं भी आ जा सकते हैं, ये सुविधा आपको आसानी से मुहैया हो जाएगी। कैसे, इसका खुलासा हम सिलसिलेवार करेंगे। उससे पहले इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना के कहर से पूरी दुनिया कराह रही है, फिर वो बात विकसित देश की करे या पिछड़े देश की। पूरी दुनिया इस वैश्विक महामारी से उबरना और बचना चाहती है, पर हालात फिलहाल काबू में नहीं है। सड़कों पर सन्नाटा, अपने ही घरों में कैद लोग, 10x12 के कमरे में कैद बचपन और रोजगार से बेदखल किसान मजदूर। यह तमाम तस्वीर और हालात सिक्के के एक पहलू की तरह हैं। दूसरे पहलू पर अगर आप गौर करें तो तस्वीर बदलती नजर आएगी। कौन कहता है आप घरों में कैद हैं? कौन कहता है आप एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा सकते? यकीन मानिए जनाब, आप बेशक जा सकते हैं, बशर्ते आपकी जेब में पैसे हों और आपके घर में बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद। आपको इसके बाद एक एम्बुलेंस की तलाश शुरू करनी होगी और इसके लिए राजधानी रांची के दर्जनों अस्पताल आपका इंतजार कर रहा है। आप सोच रहे होंगे भला एम्बुलेंस किसी सवारी गाड़ी का काम कैसे कर सकता है? तो जनाब, हमने पहले ही कहा था, कोरोना के कहर में सिक्के के दो पहलू हैं और यह हकीकत सिक्के के दूसरे पहलू की है। जहां दुगने किराया देने के बाद आपकी यात्रा सुखद और सुरक्षित रहेगी, जिस एम्बुलेंस में दर्द से कराहते मरीजों को सहारा मिलता था, आज वो लॉकडाउन के दौर में कमाई का साधन बन गया है। तो जुड़िए न्यूज 11 के ऑपरेशन एम्बुलेंस के साथ। खबर आप समझ गए होंगे कि अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो आप क्या कुछ कर सकते हैं। लॉकडाउन आपके लिए कोई बड़ी बाधा नहीं बनेगी कि आप एक जगह से अगर दूसरी जगह जाना चाह रहे हैं तो आप जा सकते हैं। अमूमन क्या होता है कि हम अपनी प्राइवेट गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं या फिर भाड़े की गाड़ी लेते हैं, मगर भाड़े की गाड़ी यहाँ पर एम्बुलेंस बनी हुई है। हम परत दर परत हर अस्पताल परिसर में जो कुछ हुआ है, जो रिपोर्टर ने हमारे देखा है और जिस तरह से बातें हुई है, वो आपको अपने दर्शकों तक पहुँचाएंगे। हमारे दर्शक भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं अपने सुझाव के साथ, अपनी शिकायतों के साथ। अगर उनके साथ भी इस तरह की कोई घटना हुई है तो वो जुड़ सकते हैं। हम लगातार अपना नंबर फ्लैश कर रहे हैं, हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर आप नंबर देख सकते हैं, आप उस पर कॉल कर हमसे जुड़ सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं रांची के सेवा सदन अस्पताल परिसर के पास की तस्वीर। देखिए कैसे चल रहा है एम्बुलेंस चालकों का खेल। कागज तो बना लेंगे पेशेंट का ही, जाना है भैया। कागज बना लिए हम, आपका बात समझ गए, जो बोलना चाह रहे हैं समझ गए। अभी इतना चेकिंग हो रहा है ना, और ऐसा है कि कोई लेटर पर भी नहीं, बस खाली परिवार को हमको बोकारो सेक्टर 2 छोड़ देना है और उसके समय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम सुबह ही में आए, बंगाल गए होते गाड़ी वहीं पे रोक के बैठा दिया। अच्छा, समय के लिए मेरा ये नहीं है कि आप हमको 4 बजे ले जाइए, 2 बजे ले जाइए, टाइम से कोई मतलब नहीं। रात में 2 बजे रोक दे रहा है? नहीं, 2 बजे नहीं, जाना रात में 2 बजे भी रोक देगा। ठीक है, तो अपना मर्जी हो, आप जितना बजे भी जाइए, रोकना है तो रोक के करें। ठीक है, तो सील किया हुआ है। ठीक है, तब हम तो बॉर्डर कोई पार कर नहीं रहे, बोकारो में तो हम लोग हाईवे पर जाएंगे और सेक्टर 2 में अंदर भी नहीं है, एकदम मार्केट एरिया में ही, पीछे वाला जो देखेंगे कागज कॉम्प्लेक्स है वो बना लेंगे, कागज हम बना लेंगे। कब जाइएगा? जो अब आप बोलिएगा तब। अब ये इस समय ठीक है दोपहर सबसे ज़्यादा, मैंने आज का तो आज नहीं हो पाएगा ना, कल जाइएगा तो भी। हाँ, मैंने आप बोल रहे हैं समय 11 बजे 12 बजे 11-12 बजे साइड हो जाइए, खाना।
क्या पड़ेगा? कितना आदमी है? माँ है, वाइफ है, मेरी बच्ची है, एक लड़का है और हम है। एक जन लेट के जाएगा ना? माँ को लेटा देंगे, माँ को ही लेटा देंगे। उनको जेल को उनको लगा के लेके जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है? जेल को क्या होता है, नहीं समझे? पानी बोतल हाँ, खाली ऐसे फंसा देंगे और टेप मार देंगे। ठीक है, वो जरूरी है भाई, आधार ले रहा है। ठीक है, जेल कोई बात नहीं, 5500 रुपये लगेगा। जेल को उनको सब हम ला के लगा देंगे, कुछ कम बेसी भैया? इतना रिस्क लेके जा रहे हैं ना भैया, वही में 1600 कम दीजिए, 200-300 रुपये तो जेल कोल को लेंगे, लिक्विड लेंगे, सब लेके लगाएंगे। फाइनल कीजिएगा तब, फिर जो भाड़ा आएगा उसी में चल जाएंगे, अस्पताल के सामने खड़ा लें ना, उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे आप लोग पेशेंट दे दीजिएगा, ऐसे पेशेंट लेके हम ही लेंगे, 200-300 का सामान लग जाएगा। ऐसे पेशेंट लेके जाते हैं तो कितना पड़ता है? किलोमीटर के हिसाब से होता है ना आप लोग का? अभी बंदी में किलोमीटर का कोई हिसाब नहीं, किलोमीटर से ऐसे जाते हैं तो 14-15-16 जो मैंने हो गया हुआ है। अभी तो जेल को लेंगे, 200-300 रुपये मेरा ऐसे लग जाएगा। ऐसे जाते हैं तो आप लोग एम्बुलेंस में 14 रुपये किलोमीटर हो जाता है, 14 रुपये किलोमीटर। टिकट किलोमीटर का भाड़ा 300 किलोमीटर का रहेगा तब। हाँ, 300 किलोमीटर, 300 से कम रहेगा तो फिर वो तो आप फिक्स कर लो। कारो कारो जाते तो 3500-4000-3000, 3500 से कम नहीं, जनरल 3000-3500 तो जाता ही है। 2000 रुपये बढ़ा के मानिए कि 2000 में 200-300 रुपये तो हम लगा देंगे। कितना? 1000 रुपये बढ़ा के मांग रहे हैं आपसे, 48-47 रुपये पड़ेगा। जेल को लेंगे, टेप लेंगे, पाइप लेंगे। अच्छा, लेना हाँ, 5200 आपको बोल दिए, इसी तो कम कर, 300 लगिए जाएगा मेरा आपको, 400 रुपये। तो कल के 11 बजे यहीं आ जाएंगे। फाइनल कीजिए, 500 एडवांस दे दीजिए, कल गाड़ी नहीं भेजेंगे, गाड़ी टिप टॉप है। अगर 300 बढ़ा के दीजिएगा तो एसी में लेके जाएंगे, ये बोल एसी भी है। अच्छा, 5500 पूरा देंगे तो एसी अपना चालू करके ले चले, एसी पूरा गाड़ी। 5200 रुपये बोले हैं नॉन एसी, जेल को तो सब हम खरीद लेंगे, 5500 रुपये एसी। तो बोल रहे हैं ना कि 300 रुपये के लिए क्या ही करना है? परिवार है, आराम से आएगा, मौसम भी है। पैसा दे दीजिए 500 रुपये इसमें से, एडवांस दे दीजिए, नंबर ले लीजिए, अपना फ़ोन कर दीजिए, 500 रुपये रख दीजिएगा। नंबर नंबरवा अपना बता दीजिए, तो नंबर अपने दे दीजिए, कोई अपना एक आदमी मेरे लिए नहीं। हाँ ठीक, खुद मालिक है। अच्छा, 9608 9301 प्रदीप सिंह मेरा नाम है। गाड़ी गाड़ी नंबर कितना है? J01BX56 लिख लीजिए, J01BX। आप की है गाड़ी? हाँ, आप फोन कीजिए, बोलिएगा हरमू से बोल रहे हैं। हाँ ठीक, क्योंकि अभी इतना फोन आ रहा है। नहीं ठीक है, बोले मेरा जस्ट डायल में भी नंबर है, गाड़ी खाली नंबर ही कर लीजिए, J01BX 01BX BX X X X 5 6 4 3 X 4 X 5। अब बोलिएगा सिर्फ हरमू से बोल रहे हैं। अच्छा, कल कोशिश कीजिएगा कि 7-8 बजे तक। एक चीज़ और बता दे रहा हूँ, कल हम एक बार फोन करके बता भी देंगे, अगर मान लीजिए कल नहीं हुआ तो हम परसों, हाँ जो आपको बने बता देंगे सुबह। लेकिन हाँ, हमसे फोन में अगर हम रहिएगा, कह के देखिए भैया अब आपके चलते हम कोई मेरा पास भाड़ा भी आएगा तो हम उसको छोड़ नहीं देंगे। नहीं, हम आपको क्लियर कर दे रहे हैं, यही चीज़ आपको बताएंगे कि भैया फलना जगह गया है, आ जाएगा तो आपको हम छोड़वा दें। देखिए इसमें दो चीज़ है, आपको बता दें, माँ थोड़ा जाने से घबरा रही है ना, डरना नहीं, नहीं रात को। अरे तो वो अगर ऐसा होगा ना, हम आज रात में ही आपको फ़ोन कर देंगे 10 बजे तक, ठीक है? 10 बजे तक फोन रहता है हम ना भैया, 24 घंटा रहता है। नहीं ठीक, अगर हम फोन नहीं किए, नेट में सर्च कीजिए मेरा नंबर, अगर हम फोन रात को 10 बजे तक नहीं करेंगे तो आपको सुबह में अगर कुछ मिलेगा तो आप ले लीजिएगा, इसका मतलब समझ जाइएगा कि कल हम नहीं जा रहे हैं, ठीक ना?
10 बजे फोन कर देंगे तो कल जाएंगे, नहीं करेंगे तो कल नहीं जाएंगे, अपना अंडरस्टैंडिंग। हाँ, फिर हम बात कर लेंगे, हम लोग बात कर लेंगे। गाड़ी तो हमको यही मिली, नंबर ही है, ठीक। आप टेंशन मत लीजिए, गाड़ी वाला है ना। नहीं चल रहा, लाइन लगा दो। तो सेवा सदन अस्पताल परिसर की ये तस्वीर आपने देखी। अभी और भी अस्पतालों की तस्वीर है और आप देखेंगे किस तरह से एम्बुलेंस चालक जो है वो बार्गेन कर रहे हैं और कितना कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं, क्योंकि रांची से बोकारो तक लेकर जाना 5500 कोट किया है। और उन्होंने बोला है कि हमारे रिपोर्टर ने बताया कि उनकी एक बुजुर्ग माँ है तो उन्हें लिटा कर लेकर जाएंगे, पानी की व्यवस्था मैं अपनी तरफ से कर दूंगा, 200 रुपये उसमें लगेंगे, पानी को टांग दिया जाएगा। बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, आप अगर कल फोन करें तो ये स्पेसिफाई कर दीजिएगा कि आप हरमू से बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग फोन कर रहे हैं, तो इसे समझा जा सकता है कि कितने बड़े पैमाने पर यह खेल चल रहा है और हर दिन कितने लोगों को लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए इस राज्य से दूसरे राज्य या इस जिले से दूसरे जिले ले जाया जा रहा है। सीधे रुख करते हैं अविनाश का, हमारे सहयोगी हमारे साथ अविनाश जुड़े हैं, हमारे साथ प्रभात भी जुड़ेंगे जमशेदपुर से, हमारे साथ रिम्स परिसर से सत्यव्रत किरण भी जुड़ेंगे। सबसे पहले अविनाश के पास जुड़ते हैं। अविनाश, जिस तरह से एम्बुलेंस की अब तक लोग जान रहे थे कि एम्बुलेंस का उपयोग यह है कि एक बीमार को उसके घर से अस्पताल या फिर अगर रेफर किया गया तो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक ले जाया जाता है, ये नहीं पता था कि एम्बुलेंस सवारी गाड़ी भी होती है, वहां पर यात्रियों को बैठाकर एक कानून को तोड़कर एक जिले से दूसरे जिले या एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाया जाता है। नहीं, ये चौंकाने वाला आप कह सकते हैं कि बात है, और जिस तरह से न्यूज़ 11 ने लगातार जो लोगों की तरफ से शिकायत आ रही थी, न्यूज़ 11 ऑफिस में लोग शिकायत कर रहे थे फ़ोन करके कि किस तरह से एम्बुलेंस का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, एम्बुलेंस किस तरह से एक सवारी गाड़ी बन गई है, और कई जगहों पर अगर हम कहें झारखंड से लेकर अगर हम दिल्ली तक की भी बात करें, इसके कई खुलासे भी हो चुके हैं, इसलिए ये ज़रूरी था इसकी पड़ताल करना कि क्या वाकई में राजधानी रांची के अंदर ये संभव है, क्या वाकई में जब सभी लोग घर में अपने ही घर में कैद हैं, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, जो बच्चे हैं वो एक कमरे के अंदर कैद हो गए हैं, बाजार में आप जा नहीं सकते हैं, अपने मन मुताबिक खाना खाने के लिए भी आपको सोचना है, क्योंकि जो समय अवधि तय की गई उसके हिसाब से ही लोग सब्जी का भी खरीद कर रहे हैं, जो आवश्यक सेवाएँ हैं ज़रूर वो बहाल हैं। लेकिन अब तक जो होता रहा है शारिफ, अगर हम बात करें जिस एम्बुलेंस को लेकर हम बातें कर रहे हैं, एम्बुलेंस की चर्चा होने से हम इसी बात को समझते हैं कि किसी दर्द से कराहते हुए मरीज को उसके घर से अस्पताल तक पहुंचाना, समय पर अस्पताल पहुंचाना, एम्बुलेंस की वो जो बत्ती है उस नीले कलर की बत्ती का एक उपयोग है, एक उसका महत्व को भी लोग समझते हैं, जब आप ट्रैफिक जाम हो और उस वक्त अगर कोई एम्बुलेंस की गाड़ी गुजर रही हो तो आपकी नैतिकता, आपका मानवता कहता है कि आप अपनी गाड़ी को साइड कर लेते हैं, बहुत सारे लोग आगे बढ़कर अगर वो एम्बुलेंस आगे नहीं बढ़ रही है तो उसका सहयोग करते हैं कि कैसे रास्ता क्लियर कराया जाए ताकि मरीज अस्पताल तक जितना कम समय हो में वो पहुँच सके। ये अब तक एम्बुलेंस को लेकर एक छवि थी अगर हम दिलो दिमाग की बात करें तो, लेकिन आज इस लॉकडाउन के दौरान, मैं सबके बारे में नहीं कहूँगा और सबके बारे में कहना ये सही भी नहीं होगा कि हर एक एम्बुलेंस का चालक या उसका जो भी मालिक हो उसके द्वारा ऐसा किया जा रहा है, लेकिन कुछ लोग ज़रूर ऐसा कर रहे हैं। और आपको आगे जैसे जैसे हम इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन में बहुत सारी चीज़ें अभी और भी लोग जुड़ेंगे और जगहों के हम दिखाएंगे स्टिंग ऑपरेशन में क्या कुछ सामने आया है, आप यकीन नहीं कीजिएगा कि अगर आपकी जेब में पैसे हों तो आपके लिए ये बंदी, आपके लिए कमरे में कैद रहना, सड़कों पर सन्नाटे जैसी बात कोई मायने नहीं रखती है। आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, न सिर्फ झारखंड के अंदर बल्कि जो इसमें खुलासे होंगे यहाँ से लेकर बनारस और दिल्ली तक भी अगर आप जाना चाहें तो उसकी भी मुकम्मल व्यवस्था है, सिर्फ आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। तो आप समझ जाइए कि लॉकडाउन के दौरान एम्बुलेंस जिस सेवा को लेकर, जिस स्वास्थ्य सेवा को लेकर हमारे मन में एक अलग तरह की धारणा है, हम उसे रिस्पेक्ट भी करते हैं, हम अगर कहें कि हमें पता होता है कि एम्बुलेंस का समय पर अस्पताल पहुंचना कितना ज़रूरी है, उसका किस तरह से इस लॉकडाउन के दौरान इस्तेमाल हो रहा है, और कुछ खास लोग इस लॉकडाउन में भी, इस कोरोना वायरस के जंग में भी दो पैसे और कमाने के चक्कर में इसका बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं। अविनाश, जो आपने कहा कि जाहिर तौर पर हम सबको आरोपी नहीं बनाएंगे कि सब आरोपी सब ऐसा कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, चुनिंदा लोग कर रहे हैं, मगर उस जो वाहन चालक से आपकी बात हो रही थी उससे दो चीज़ समझने की आवश्यकता है। एक तो जब आपने नंबर मांगा
तो सीधे तौर पर उसने कहा कि आप स्पेसिफाई करके बताइएगा कि हरमू इलाके से आप बोल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे फोन आ रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जब कहा कि अगर कल मैं नहीं निकला बोकारो के लिए तो परसों के लिए मैं अपने टूर को एक्सटेंड कर दूंगा, उसने बड़े आराम से कहा कि हाँ कर दीजिएगा, इसका मतलब है कि उसके पास इतनी व्यवस्थाएं हैं कि वो अगर कल गाड़ी को दूसरी जगह मूव कर देता तो परसों के लिए उसके पास दूसरी एम्बुलेंस है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि बड़े पैमाने पर हो रहा है, क्योंकि लगातार उसको बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग फंसे हुए जो अपने घरों को जाना चाह रहे हैं, तो तमाम लोग ऐसे लोगों के संपर्क में और बड़े पैमाने पर यह खेल हो रहा है अविनाश। नहीं सही, और आपने इशारा किया है, और इसके एक कड़ी में अगर अंतिम समय अंतिम जो बातचीत का अगर क्रम है उस पर अगर आप गौर फरमाएंगे, जाते जाते एम्बुलेंस चालक के मालिक ने यह भी कहा कि आप सिर्फ फोन कर दीजिएगा, एम्बुलेंस की मैं लाइन लगा दूंगा, आपको कहीं भी जाना हो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। दूसरी बात यह भी है कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को लेकर भी आज जो स्थिति बनी हुई है, मुझे लगता है कि बहुत आसान भी एक फार्मूला है। आप जानते हैं सारी, बहुत ऐसे कम परिवार होंगे जिनके घर में उनके बुजुर्ग माता पिता ना हों, बहुत कम ऐसे लोग होंगे कि जो उनके माता पिता बुजुर्ग माता पिता हैं उनका कोई इलाज ना चल रहा हो किसी अस्पताल में, किसी डॉक्टर के पास उनके पास दवा से संबंधित कोई प्रिस्क्रिप्शन ना हो, ये संभव नहीं है। बहुत कम ऐसे परिवार होंगे, मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे परिवार ज़रूर होंगे, लेकिन कागज बनाने से लेकर और जाने तक की अगर हम बात करें तो कितना स्मूथली ये सारी चीजें दिख रही हैं। आप और हम सोचने पर मजबूर हो सकते हैं कि क्या वाकई में अपने परिवार को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा सकता है एम्बुलेंस से। वहाँ जो है जिस स्मूथली जो काम चल रहा है, ये कहा जा सकता है कि ये जो एक पूरा कोकस है जिस पर जो सरकार की बात करें, स्वास्थ्य विभाग की बात करें, जिला प्रशासन की बात करें, जिनकी नज़र होनी चाहिए, क्योंकि कई बार मैंने पहले ही कहा कि कई बार खुलासे हो चुके हैं और ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस वक्त भी ये इसलिए किस जरूरी है शारीफ, क्योंकि अगर एक एम्बुलेंस किसी ऐसे परिवार को एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहा हो जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है और उसी समय किसी ऐसे व्यक्ति को उस एम्बुलेंस की जरूरत हो जो वाकई अपने घर से अस्पताल जाना चाह रहा था और अगर उसे नहीं मिलती है ये एम्बुलेंस, आप उस समय के बारे में सोचिए कि क्या हम उसके साथ न्याय कर रहे हैं, उस मरीज के साथ न्याय कर रहे हैं। आप अपना व्यवसाय तो चला रहे हैं लेकिन जिस व्यवसाय में आपने सेवा का नाम दिया है और उस सेवा के लिए आप बहुत कम पैसे लेते हैं, आप समझिए 100 से 110 15 किलोमीटर की ये दूरी आप 5000 से ज्यादा 5500 रुपए, ये भी कहा गया, आप सोचकर हैरान होंगे शारीफ कि पहले 5200 रुपए कहे गए और बहुत ही हंसते हुए उसने कहा कि अगर आप पूरा 5500 दे देंगे तो एसी ऑन करके मैं ले जाऊंगा, सुविधा आपके परिवार को सुविधा होगी इस गर्मी में। तो ये भी तमाम तरह की सुविधा मुहैया कराई जा रही है, लेकिन यहाँ गौर करने वाली सिर्फ इतनी बात है कि जिनके पास पैसे हैं वो तो एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाएंगे अगर कहीं फंसे हैं या किसी के पास जाना हो या उन्हें किसी मिलने जाना हो, लेकिन उसी वक्त उस एम्बुलेंस की जरूरत अगर वाकई में किसी मरीज को हो तो उसका क्या होगा और उसके लिए कौन जिम्मेदार है। जाहिर तौर पर अविनाश, जो सबसे महत्वपूर्ण बात आपने कही है वो ये है कि जब वो सवारी गाड़ी में तब्दील कर चुका होता है अपने एम्बुलेंस को और उस दरमियान किसी को अगर सख्त ज़रूरत होगी एम्बुलेंस की और एम्बुलेंस मौजूद नहीं, क्योंकि उसने कहा कि मैं लाइन लगा दूंगा एम्बुलेंस की, और उस वक्त अगर मौजूद नहीं रहेगा तो फिर ये कैसी सेवा है और कैसा भाव है ये। हमारे और भी सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। हम सत्यव्रत का रुख करते हैं जो रिम से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, आप स्वास्थ्य विभाग देखते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट बीट है उसको आप कवर करते हैं। आज अविनाश ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया उसके बाद जो एम्बुलेंस का डेफिनेशन मैं जानता था वो बदल चुका है। एम्बुलेंस एक ज़रूरी सेवा होती है जो मरीजों को अस्पताल तक उनके घरों से पहुंचाती है, मगर अविनाश ने जो स्टिंग किया उसे ये पता चल रहा है कि एम्बुलेंस को तब्दील कर दिया गया सवारी गाड़ी में, तमाम सुविधाओं से लैस। 300 रुपया आप एक्स्ट्रा दीजिए, हम एसी चलाएंगे, आपके साथ कोई बुजुर्ग है आपने कागज़ बनवा लिए तो हम पानी को स्लाइन को ऐसा लटका देंगे और फिर मरीज को लेकर आराम से चले जाएंगे। रिम्स परिसर की भी तस्वीरें दिखाएंगे, मगर बहुत सारी ऐसी शिकायतें एम्बुलेंस चालकों और एम्बुलेंस को लेकर आती हैं सत्यव्रत, अब लग रहा है कि वो तमाम शिकायतें जो है जेन्युइन शिकायतें होती हैं।
नहीं, बिल्कुल सही कहा शारिफ आपने, और यह बात जो है वो शायद किसी से नहीं छुपा है कि किस तरह से जो एम्बुलेंस चालक है, खासकर निजी एम्बुलेंस चालकों की बात करें शारिफ, क्योंकि अब तक स्वास्थ्य विभाग के तरफ से कोई भी गाइडलाइन नहीं बनाया गया है ऐसे एम्बुलेंस चालकों के लिए। और अगर बात लॉकडाउन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मिसयूज किया गया एम्बुलेंस का शारिफ, वो इस लॉकडाउन में किया गया। कैसे एक व्यक्ति को दूसरे जगह तक आसानी से एम्बुलेंस के जरिए पहुंचाया गया, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह से जो लगातार एम्बुलेंस चालक, खासकर अगर बात करें शारिफ, तो एम्बुलेंस के इस धंधे में सभी एम्बुलेंस चालक नहीं, लेकिन ज्यादातर जो एम्बुलेंस चालक आपको मिलेंगे शारिफ, वो स्थानीय गुंडे और दबंग किस्म के लोग होते हैं, और उन्हीं का यह पेशा होता है। कोई भी व्यक्ति जिसके पास महज कुछ पैसे लगाने हैं आपको, कुछ पैसे में आप पुराना और कबाड़ पड़ा जो एम्बुलेंस है, जो मारुति वैन गाड़ियां हैं, उसे आप एम्बुलेंस के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। पुरानी पड़ी हुई गाड़ियों को आप अस्पताल के पास ले आइए, उस पर एम्बुलेंस लिखवा दीजिए, और उसके बाद धड़ल्ले से उसका उपयोग कीजिए। चूंकि एम्बुलेंस एक आपातकालीन सेवा होता है, और वैसे में सड़कों पर कोई भी ट्रैफिक का लोग हो या प्रशासन का लोग हो, वो नहीं रोकना चाहता है। वो एक मानवीय चेहरा होता है कि किसी भी एम्बुलेंस को रोकने का मतलब है कि उस व्यक्ति के जीवन को जो है वो जो बच सकता है अस्पताल जाने पे, उसे रोकना। और वैसे में जो एम्बुलेंस चालक है वो मुनाफा कमाने के लिए इस तरह का जो काम है वो करते हैं। अगर लॉकडाउन की बात करें तो सबसे ज्यादा जो मिसयूज है वो एम्बुलेंस का किया गया, हो रहा है लोगों को एम्बुलेंस जहां मरीजों को मिलना चाहिए। इन तस्वीरों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है। दीपक हमारे साथ बोकारो से हमारे दर्शक जुड़े हैं। दीपक, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत में। तस्वीरें आपने देखी, क्या कुछ कहेंगे आप? नमस्कार सर, हम बोकारो से बोल रहे हैं। जी सर, ये वही देश की भीषण परिस्थितियों में ऐसे अगर बिचौलिया अगर काम करेंगे तो हमारे लिए बहुत ही चिंता का विषय हो जाएगा। यदि भीषण परिस्थिति में अगर एम्बुलेंस चालक इस तरह का व्यवहार करते हैं, अगर इमरजेंसी किसी तरह कोई घटना अगर घट जाए अनजाने जाने में, तो इस तरह की परिस्थितियां बहुत ही खराब हो सकती है सर। और दूसरी बात है कि सरकार को एक टास्क फोर्स गठन कर देना चाहिए कि हमारे झारखंड में अनलीगल लीगल कितने एम्बुलेंस चलाए जा रहे हैं, क्योंकि इससे हमें खतरा होगी। दूसरे राज्यों में बहुत सारे लोग होते हैं जो गलत धंधा का उपयोग भी करते हैं। जी जाहिर तौर पर दीपक, हम भी इसी बात को लेकर चिंतित है कि एम्बुलेंस एक जरूरी सेवा, और उसका अगर दुरुपयोग होगा तो परिस्थितियां बहुत डरावनी हो सकती हैं। प्रभात भी हमारे साथ जुड़े हुए जमशेदपुर से। प्रभात, जिस तरह से आपने खबर देखी, अविनाश ने जो स्टिंग किया है वो स्टिंग को आपने देखा है, अविनाश ने भी वही चिंता जताई है जो सत्यव्रत ने चिंता जताई है कि एम्बुलेंस जब निकलती है सड़कों पर, अगर जाम में फंस जाती तो आम लोगों को देखा गया, कितनी भी हड़बड़ी में रहे अपनी गाड़ियों को किनारे करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा गया जो भीड़ में उतर कर रास्ते को क्लियर करवाते हैं और एम्बुलेंस को पास होने देते हैं। शायद इसी का फायदा उठा रही है एम्बुलेंस चालक। बिल्कुल शारिफ, देखिए जिस तरीके से अविनाश जी ने स्ट्रिंग किया है और जिस तरीके से यह बातें सामने आई कि जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले हैं वो कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन का दुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरीके से बातें सामने आई कि आप 5500 रुपया दीजिए आपको रांची से बोकारो तक ले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं एम्बुलेंस सेवा आपात सेवा होती है और इसको लेकर लोग, आपने सही कहा कि जिस तरीके से अगर एम्बुलेंस क्रॉस करता है तो चाहे प्रशासन के लोग हैं चाहे आम लोग हो, वो खड़ा हो जाते हैं, साइड हो जाते हैं, बल्कि अगर जाम की स्थिति होती है तो उसे जाम हटाने का भी प्रयास। निश्चित है जो प्राइवेट एम्बुलेंस वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं इसको धड़ल्ले से काम कर रहे हैं और एक राज्य से दूसरे राज्य या एक शहर से दूसरे शहर लेके जा रहे हैं। जमशेदपुर में एक घटना हुई थी शारिफ, मैं उसका जिक्र करना चाहता हूं। हम लोगों ने खबरें भी दिखाई थी कि 22 तारीख को जो जनता कर्फ्यू लगा था, 23 तारीख को ऐसा ही एक एम्बुलेंस चालक जो था, प्राइवेट एम्बुलेंस चालक चलाता था, वो सांची से मानगो की ओर पैसेंजर लेकर जा रहा था। चेकिंग के दौरान उसे पुलिस ने पकड़ा और देखा कि उसमें बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस देखने से अमूमन चेकिंग के दौरान पुलिस भी छोड़ देती है कि एम्बुलेंस से आपात सेवा, इसमें निश्चित है पेशेंट होगी, क्योंकि पर्दा लगा के जाने के बाद वो कुछ दिखता नहीं है। वैसे ही चेकिंग में उसे पकड़ा गया था, उसके बाद उसे थाने में ले जाकर बैठाया गया था और चेतावनी देकर छोड़ी गई थी कि आइंदा से दोबारा इस तरीके की ना सामने ये लॉकडाउन के दौरान तो आपको जेल भेजा जाएगा। और एक खबर और मैं बताना चाहता हूं कि देखिए, ये तो एम्बुलेंस की बात हुई, लोग इधर से उधर जाने के लिए बहुत परेशान है शारिक, अपने देश में कहे चाहे वो कहीं भी फंसे हो। अभी हमारे एक सहयोगी जो रिपोर्टर है पोटका से, उन्होंने एक खबर डाली है कि एक फल की गाड़ी में करीब 12 से 13 मजदूरों को फल के गाड़ी में लेके जाया जा रहा था, जो उड़ीसा के बॉर्डर तिरिंग में उसको वहां के
वीडियो ने पकड़ा और अभी उन मजदूरों को कंटेन किया। तो कहीं ना कहीं मजदूर जो फंसे हैं इधर से उधर, वो कुछ भी उपाय कर रहे हैं कि हम इस शहर से जाए तौर पर उसका नाजायज फायदा ये देखा जा रहा है। इस तरह के एम्बुलेंस चालक जो है, प्राइवेट एम्बुलेंस चालक ये उठा रहे। कैलाश हमारे एक दर्शक हजारीबाग से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश, आपका स्वागत है न्यूज 11 भारत में। मेरा कहना है जी, ये जो एम्बुलेंस चालक लोग है तो इनके क्या कोई लगाम नहीं है, या इन लोग का पूरा मतलब छूट मिला हुआ है कि आप कहीं भी आ जा सकते हैं? कैलाश जी, आप की जो चिंता है हमारी भी वही चिंता है, और अब न्यूज 11 भारत में ये खबर चल रही है तो इसके बाद लगाम जरूर लगेगी। आप देखिएगा जरूर कि इस खबर का कितना असर होता है, और असर होना भी चाहिए। अविनाश हमारे सहयोगी जिन्होंने इस पूरे स्टिंग ऑपरेशन को किया है वो हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। अविनाश, जो एक और मेजर कंसर्न है, जिस दो कंसर्न पे हम बात कर रहे थे, एक तो जो सेवा भाव से एम्बुलेंस चलाई जा रही है, बहुत जगह ऐसी सेवा माना जाता है उसको एम्बुलेंस चलाई जा रही है, पहला। दूसरी बात जो हम लोग कर रहे थे कि जिस तरह से संक्रमण का खतरा है लॉकडाउन को लेकर, और जहां पर जो लोग हैं, तमाम केंद्र सरकार है या राज्य सरकार कह रही है कि आप जहां हैं वहां रहिए, पर एम्बुलेंस चालक जिसको लेकर जा रहे हैं उनकी कोई जांच नहीं होती है, कोई उनको डॉक्टर की तरफ से एनओसी नहीं मिला रहता। अगर मान लीजिए किसी पेशेंट को लेकर वो जा रहे हैं जो यहां पर संक्रमित है, उन्हें दूसरे राज्यों में लेकर जा रहे हैं या दूसरे जिलों में लेकर जा रहे हैं, नहीं जानते हुए कि वो संक्रमित है या नहीं, तो संक्रमण कितना फैलेगा? जहां पर है वहां तो फैल चुका है, जहां जा रहे हैं वहां भी फैलेगा, कितना खतरनाक है यह? अविनाश, नहीं ये सोच जो है सही, दो जिस तरह से दर्शकों ने भी अपनी चिंता जताई है, और ये चिंता जायज भी है सारी, क्योंकि जब आप एम्बुलेंस पर सवार हो जाते हैं तो आपको किसी और सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है। और जो मुझे जानकारी, आज दिन भर मैंने जितने भी एम्बुलेंस चालक से बातचीत की है, फ़ोन पर बातचीत की है, जो डायरेक्ट हमने उनसे बातचीत की है, उसके आधार पर ये प्रमाणित हो चुका है कि बहुत कम ऐसी जगह हैं जहां पुलिस अगर रोकती भी है तो सिर्फ ये देखने का काम होता है कि एम्बुलेंस में जो लोग बैठे हैं उनकी संख्या क्या है। इस बात को आपको गौर करना चाहिए। संख्या इसलिए देखा जाता है कि पुलिस को अगर ऐसा लगे कि एक एम्बुलेंस के अंदर 6 से 8 लोग बैठकर जा रहे हैं तो ये चिंता का विषय हो सकता है कि कहीं ये निजी कार से कहीं जा रहे हो, इस एम्बुलेंस को हायर किया गया हो, इसका बेजा इस्तेमाल किया जा रहा हो। इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए 3 से 4 लोगों को ही परमिशन मिल रही है। ये एक नया, आप कह सकते हैं कि फंडा अपनाया गया है। अविनाश, आपको रोकेंगे, हम चर्चा आपके साथ जारी रखेंगे। अभी हमने दर्शकों को दिखाया है कि सेवा सदन परिसर में क्या है सूरत हाल। कहानी को आगे लेकर चलते हैं रांची के एक और प्रतिष्ठित अस्पताल मेडिकल परिसर की। यहां पर तो एम्बुलेंस से आप दूसरे राज्यों में भी जा सकते हैं, हट्टे कट्टे शरीर वालों को बस मरीज बनने का नाटक करना होगा और जेब में पैसे। बीच रास्ता में कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, पेशेंट ले जाने में कोई दिक्कत नहीं। पेशेंट मैंने बुजुर्ग महिला है, माँ है, वाइफ रहेगी, छोटा बच्चा है। लंबा लॉकडाउन है कि मेरा तो हमारा घर है, हमको हरमू रांची हरमू से वहाँ छोड़ देना है जाके खाली। हमारा ना, आप हमारा नंबर ले लीजिए और नहीं होगा तो हम आएंगे नहीं देखा, पेशेंट ले आते रहते हैं तो हम कल भी एक बार फोन कर लेंगे। हाँ, हम कल, हम जानते हैं दो तीन बार आए कल ऐसे खाली है गए। लेकिन बोलिए, इधर चेकिंग हो रहा रास्ता में? रास्ता में तो खाली चेकिंग होता है। क्या चेकिंग करता? खाली की कौन ले, कौन है, पेशेंट है क्या है? बस यही नंबर बताइए। 9 3 1 3 1 7 3 4 8 4 8 9 5। अगर अभी जाना है तो गाड़ी हो गया मैदान तक पास रुक ना, अभी तो मान लीजिए अभी करेंगे, अभी पहले समझाना होगा ना घर में जाके। हाँ, वो भी तो चीज है ना, है कि बूढ़ा बुजुर्ग लोग थोड़ा डर जाते हैं। नहीं नहीं भाई साहब, लगता है ऐसा माहौल हो गया, हम लोग आप लोग को डर लग रहा है तो क्या कि ये साला अचानक आके घूम जा रहा है, ये एक दिक्कत है। पैसा में कुछ कम बेसी? पैसा ज्यादा नहीं बोले भैया, हम लोग जो पेशेंट से ले रहे वही बोले। बोकारो से ही आए, आना जाना है, 5,000 में आए आज अभी। तो उसमें ले जाते समय क्या, मतलब माँ को लेटा देना होगा,
हटाना जरूरी है। हाँ पेपर ऊपर होगा तो बढ़िया है, अगर नहीं तो पेशेंट की गए थे कोई पुराना दुराना भी कागज तो सच्चाई। कौन ऐसा घर है जिसका घर में इलाज नहीं चल रहा है? हाँ तो वो इतना नहीं देखता है, खाली जब सर आ रहे हैं रिम्स से आ रहे हैं, जहाँ अभी अभी करीब करीब हॉस्पिटल रिम्स से जान रहा है, इसलिए ये इस सब भी ले रहा है, बहुत नफरा कर करके ले रहा है। ये हुआ मेदांता हुआ जितना है प्राइवेट सब बहुत नफरा में पूरा जाँच पड़ताल वो भी नकर फकर करता है लेने। हम तो परसों भी आए हैं रात में तो मेदांता में नहीं लिया, किडनी का पेशेंट था नहीं लिया, बोला कि सिचुएशन खराब बुझा रहा है ऐसे वैसे। फिर उसको बोले मेडिका तो बोला भैया बहुत महंगा है नहीं जा पाएंगे, फिर से हम फोड़ में गया कि अभी रोड पर खाली एम्बुलेंस चलिए रहा कौन सी। अरे भाई एम्बुलेंस वाला भी रद्द कर दिया भैया, कैसे कहिएगा तो एक एक आदमी को ढोया है जानते हैं 40,000, 35,000, 45,000, 35,000, 33,000 रुपये ले लेके। हम लोग का स्टैंड से एक आदमी को लेकर गया था बनारस 45,000 रुपये लिए, खाली आगे मेरे को बैठ के गया, उसको कहीं पूछा भी नहीं, पहुँचा के चल भी आया। और तो रांची से तो 10 को गाड़ी सीज हुआ है, रांची का 10 को एम्बुलेंस सीज हुआ है। नहीं नहीं देखिए लड़की है या लड़का है कोई है वो कितना मतलब लड़की वाला तो ज़्यादा टेंशन हो जाता है, अगर लड़का है तो मान लीजिए कुछ कम टेंशन होता है, लड़की वाला तो बुझ रहे हैं कि हम अकेले हैं, बेटी हमारा अकेले है, स्कूल भी बंद है। हम ही ले गए हैं टाटा से खाली गाड़ी जाके पता होता दे दिया और जाके चुपचाप अपना गए ले गए। बीएड कॉलेज है हाँ जमशेदपुर बीएड कॉलेज हाँ वहाँ से जाके लाके बकर बीच में कहीं गए चेकिंग खाली गाड़ी गए थे हम खाली गाड़ी ना, आपको जाने में कोई दिक्कत नहीं, जब आप लेके आ रहे होंगे तो बोला भाई उनके यहाँ आ रहे हैं लेके आ रहे हैं, अकेले था नहीं, ये गुम नहीं बोलता, ये गुम नहीं बोलता, पीछे खाली देखा उसको लेटा दिए। नहीं नहीं उसको बैठे वो आगे बैठ गया, लड़की थी जो आगे बैठ गया हम उस साइड अपना बेगू नहीं लिया या जो छोटा वाला जो होता है तो नहीं समझ गया कि। अब पुलिस कितना मेडिकल कागज देखेगा क्या हुआ, तो ठीक है कल एक बार हम फोन कर लेंगे, इसे देखते हैं। अब तो आपका तो कल आना कदम कंफर्म है, ऐसा तो नहीं है ना? नहीं नहीं हम लोग आते रहे, हम लोग को तो डेली एक्टिव ड्यूटी हो जा रहा है, हो ही जा रहा है, तो हम रख लिए नंबर ठीक, एक बार ऐसा होगा तो सुबह में फ़ोन कर लेंगे। हाँ ठीक है ठीक ना, मतलब ये सच्चाई था इसलिए हम बोल दिए, आपको तो पता होना चाहिए ना भाई, हम आपको झूठ बोल के तो नहीं मिलेगा। नहीं नहीं ज़्यादा ठीक, या कौन सा गाड़ी है आपका, कल आएंगे तो पहचानने में। J11R है ना 3275। तो किसी एक आदमी को अगर फ्लाइट से बनारस जाना है उसका जितना खर्चा आएगा उससे एम्बुलेंस चालक अभी पहुंचा रहे हैं 25 गुना ज्यादा भाड़ा लेकर, यानी कि 45,000 रुपए लेकर एक आदमी को रांची से बनारस पहुंचाया गया है एम्बुलेंस के सहारे। और जो एम्बुलेंस चालक की अभी आप बात सुन रहे थे, हमारे संवाददाता हमारे सहयोगी जिससे बात कर रहे थे, बोला कोई पुराना कागज भी अगर होगा तो उससे भी चला जा सकता है, इससे आप ये भी समझ सकते हैं कि किस तरह की रास्ते में चेकिंग हो रही है, पुराना प्रिस्क्रिप्शन भी अगर आपके पास है तो वो आपको आराम से स्टेट के बॉर्डर के उस पार ले जाएगा। चर्चा हम जारी रखेंगे, आगे तस्वीरें भी दिखाएंगे, दर्शक लगातार हमारे साथ जुड़े अपनी राय रखें, हम उनकी बातों को भी अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आपके जेब में अगर पैसे हैं तो आपको वो इस जिले से उस जिले ले जाएंगे, आपको दूसरे स्टेट भी ले जाएंगे, दूसरे राज्यों में भी ले जाएंगे, आपके पास सिर्फ पैसे होने चाहिए, उसमें लॉकडाउन का कोई असर नहीं पड़ेगा। आपके साथ जो है आपके परिवार के लोग उन्हें मरीज बताकर ये एम्बुलेंस चालक आपको इस जिले से दूसरे जिले तक ले जाएंगे। आपको हमने दिखाया सेवा सदन परिसर की तस्वीरें, आपको दिखाई हमने हमारे जो सहयोगी ने स्टिंग ऑपरेशन किया है चालकों से बातचीत करते हुए, उसके बाद आपको मेडिका अस्पताल परिसर की हमने तस्वीरें दिखाई है, अब आपको दिखाते हैं हम राज अस्पताल परिसर की तस्वीरें, वहां किस तरह से जो चालक है वो पैसों की बात कर रहे हैं। कहाँ जाना है? बोकारो, बोकारो खास, बोकारो सेक्टर 2, बोकारो से और आगे जाना है? नहीं नहीं बोकारो सेक्टर 2, बोकारो सेक्टर 2 जाना है। हेलो बोकारो सेक्टर 2 कितना किलोमीटर होगा भैया?
बोकारो यहाँ से कितना बस 120-125 बोल रहा है, ज़्यादा तो नहीं होगा, 120 उतना ही है, 100 के करीब। हम लोग को धनबाद है 170। अच्छा ठीक है, हम बात करते हैं। बोल रहे बोकारो सेक्टर 2 जाना है। हाँ 125 किलोमीटर, ठीक है। कैंटीन में है ना बैठे हुए राजू, पीछे है राजू। कौन है कैंटीन? सीधे सीधे जाइए। हाँ वहीं बात हो जाएगा। हाँ बोलिएगा राजू कैंटीन में। आपका नाम बताना होगा। हाँ, वो बोल दिए। समीर बोलिए। समीर राजू जी। अच्छा अच्छा, हम सोचे यहाँ खड़े थे तुम तो। बैठ जाएं आप, लेकिन खाना खा रहे हैं, खा ले। ठीक है वहीं पर। ₹3500 समय के लेकर भी कोई है कि जितना बजे बोलेंगे उतना बजे? जितना बजे चाहिए मिलेगा, आप कैश काउंटर में रहते हैं, आप बोलिएगा तुरंत आधा घंटा में अवेलेबल हो जाएगा। पहले कुछ एडवांस भी देना होगा? कोशिश ना कोई दिक्कत नहीं दे तो वहाँ पर रास्ता में तो कोई ये नहीं होगा दिक्कत होकर। हाँ चेकिंग चेकिंग वाला जो है मेरी माँ को ही ले जाना है, माँ है, वाइफ है, बच्ची है, वहाँ घर है मेरा सेक्टर 2 में। इतना दिन यहाँ फंसा हुआ कि स्कूल भी बंद, वहाँ खाली छोड़ देना है। हम ये भी कागज बनवा लें। हाँ कागज, कागज हम बना लेंगे, वो हम बात कर लेंगे। कल आ जाए, कल कितने बजे आ जाए? कहाँ हर मुँह पटेल पटेल चौक है ना, वो नंबर ले लीजिए। नंबर ले लीजिए, अब फोन कर लीजिए राम बेल का। ₹9934-6060-6049-2 ठीक है। तो कल एक बार हम आपको सुबह में ही फ़ोन कर लेंगे, ठीक है। कागज में बात नहीं, लेकिन जो मैंने ये है कि हमारा है वही पर्पस छोड़ने ही वाला, लेकिन मेरे पास कागज़ है। डॉक्टर कागज हाँ, वो अप टू डेट मिलेगा, आज का डेट हम करवा लेंगे। तो इस लॉकडाउन में भी आप कहीं भी जा सकते हैं, शर्त यही कि आपकी जेब में पैसे होने चाहिए। और अगर एक अस्पताल परिसर में ये तस्वीरें सामने आती तो हम कह सकते हैं ये तफाक हो सकता है, कुछ ऐसे ड्राइवर्स वहां मौजूद होंगे। मगर जिस भी अस्पताल परिसर में हमारे सहयोगी गए हैं वहां ऐसे लोग मिले हैं और इनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, कैंटीन में बैठे हुए हैं। और जो उनका सहयोगी समीर है बाहर, वो डील कर रहा है, उसे जब परमिशन ले लिया तब हमारे सहयोगी को ये कहा गया कि आप कैंटीन में जाइए, वो इंतजार कर रहे हैं। और बहुत आसानी से कहा गया कि आप कल आइए, आपको जहां बोलेगा वहां छोड़ दिया जाएगा। हम अपने सहयोगियों के पास चर्चा में चलेंगे, मगर उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं बोकारो से। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। तो फोन डिस्कनेक्ट हो गया है, अब अपने सहयोगी के पास चलते हैं अविनाश, जिन्होंने ये पूरे स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अविनाश, जिस तरह से जो अभी मैंने कहा कि अगर किसी एक अस्पताल परिसर में इस तरह के लोग अगर मिल जाते तो इत्तफाक माना जाता है कि हो सकता है वहां कुछ ऐसे लोग पहुंचे होंगे, मगर आप जहां गए हैं वहां पर लोग मिले हैं। नहीं, सही कहा आपने। और शारिफ, किसी भी एक अस्पताल की बात करें, ये कोई दुर्भावना की बात नहीं है कि हम किसी खास अस्पताल में जाकर हमारी कोई ऐसी मंशा रही हो या हमारे चैनल की कोई ऐसी मंशा रही हो। हमने शहर के लगभग सभी अस्पतालों में, हमारे पास अभी बहुत सारे ऐसे स्टिंग ऑपरेशन हैं, वक्त कम पड़ जाएंगे और
मुझे लगता है कि आज पूरे 4 से 5 घंटे में हमने जितने भी अस्पताल जो राजधानी रांची के ख्याति प्राप्त अस्पताल हैं उन सभी जगहों पर इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन किए हैं और सभी जगह एक ही जैसे हालात हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विभाग को और सरकार को, वैसे तमाम जो बड़े अस्पताल हैं जिनके बाहर इस तरह के जो भी एम्बुलेंस खड़े होते हैं वहाँ गौर करने की ज़रूरत है। जैसा कि आपने शारिफ कहा, और 45,000 आप समझ लीजिए किसी फ्लाइट से जाने में भी आप इस देश के किसी कोने में जाएं, मुझे नहीं लगता है कि इतना ज़्यादा आपको पैसे देने हो, लेकिन 45,000 में आप यहाँ से बनारस पहुँच सकते हैं। जो पैसे लिए जा रहे हैं जो दूसरे लोग हैं, ये बात दूसरे अगर चालक को पता है कि उसने 45,000 लिया, किसी ने 35,000 लिया, जो वो कह रहा, खुद हम नहीं पूछ रहे, तो खुद से आगे सामने से वो व्यक्ति बता रहा है, एम्बुलेंस चालक बता रहा है कि किस तरह से इस वक्त लॉकडाउन में लोगों को पहुंचाने के लिए पैसे लिए जा रहे हैं। ये बात कब कह रहा है, जब हम ये उससे दरख्वास्त कर रहे हैं कि क्या पैसे कुछ कम नहीं हो सकते हैं, उसके जवाब में ये सारी बातें हैं कि कैसे कम करें, ये इतना इतना पैसा ले चुके हैं ऑलरेडी लिया हाँ। जा रहा है। उस एम्बुलेंस चालक ने खुद भी स्वीकार किया कि अभी जमशेदपुर जाकर बीएड कॉलेज ने एक स्टूडेंट को, एक छात्रा को वो पहुंचाया, किस तरह से वो वहां से यहां तक पहुंचा है, कहीं कोई चेकिंग नहीं, चेकिंग हो भी तो क्या करना है, आपको घर में किसी भी तरह के जो मेडिकल कागज हैं आप उसे रख सकते हैं, प्रिस्क्रिप्शन जिसे कहा जाता है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि संभवतः जो पुलिस के जवान हैं वो जब जांच करते हैं तो शायद मेडिकली अगर हम कहें तो उन्हें उतनी समझ बूझ नहीं है कि वो पकड़ पाएंगे कि ये कब तक है, किस रोग के लिए है। मुझे नहीं लगता है, ये एक टेक्निकली आप कह सकते हैं कि ये उलझाने की एक प्रक्रिया हो सकती है जो बखूबी एम्बुलेंस चालक समझते हैं और इसी चीज को वो अपना रहे हैं। दूसरी बात करें, अगर हम राज हॉस्पिटल की भी बात करें, वहाँ भी आपको इसी तरह का सारी चीज़ें मिली। सबसे पहले हम गार्ड से मिलते हैं, गार्ड से पूछते हैं कि हमें एक एम्बुलेंस चाहिए, गार्ड इशारा करता है कि आपको उस जगह पर जाके खड़े रहना है। वहाँ कुछ देर हम खड़े रहते हैं, वहाँ एक लड़का आता है, उस लड़के के द्वारा ये पूछा जाता है कहाँ जाना है। जब हम उस लड़के को सारी चीज़ बताते हैं तब वो किसी और से फ़ोन पर बात करता है, फिर हमें न्यूज़ 11 की टीम को भेजा जाता है कैंटीन, जो वहाँ व्यक्ति बैठा होता है, उस वक्त दोपहर का वक्त होता है, वो खाना खाते हुए जो बातचीत हमारी हुई है हमने अपने दर्शकों को तक पहुँचाया है। और साफ तौर पर कहा है कि आप जब भी अविनाश, आपकी ऑडियो में कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, हम आपसे फिर जुड़ेंगे। मैं स्क्रीन पर देख रहा हूँ कि अभिषेक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं धनबाद से। अभिषेक का रुख करेंगे, मगर उससे पहले हम एक फोन ले लेते हैं। हमारे दर्शक ने फोन किया, मोहम्मद जियाउद्दीन रांची से हमसे कुछ कहना चाह रहे हैं। जी स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। नमस्कार सर, एक मेरा कहने का मतलब ये है ना कि ये तो एम्बुलेंस वाले के अगर हम सब कुछ दोष नहीं दे सकते, हम दोष देना चाहते हैं कि ये हॉस्पिटल में कागज किस प्रकार बन जाता है बिना पेशेंट को देखे हुए। और उनका उनका कहना है मोहम्मद जियाउद्दीन साहब, उनका कहना है कि अगर पुराना प्रिस्क्रिप्शन भी है तो पुराना प्रिस्क्रिप्शन भी आप ले आइए, जहां पर आपको रोका जाएगा वो जो कांस्टेबल होंगे या जो पुलिस के कर्मी होंगे उनको वो प्रिस्क्रिप्शन दिखा दिया जाएगा, उस प्रिस्क्रिप्शन के सहारे वो लोग आपको इस जिले से है कि कम पुलिस वाले को ये जरूर जानकारी हो जानी चाहिए कि वो कौन सा बीमारी के तहत में लेके जा रहे हैं। और अगर लेके जा रहे हैं, क्योंकि एम्बुलेंस एक बहुत सेंसिटिव है, इसका लाइसेंस भी कमर्शियल होता है। जी जाहिर तौर पर हम उम्मीद करेंगे कि आपके सुझाव पर जो संबंधित विभाग है वो गौर करे और इस पर एक्शन लिया जाए। अभिषेक काफी लंबे समय से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास हमने अभी तक रुक नहीं किया, अभिषेक के पास चलेंगे। अभिषेक, जिस तरह से जो चिंता वाली बात हम कर रहे हैं, एक बहुत चिंता वाली बात है ये कि एम्बुलेंस का जिस तरह से दुरुपयोग हो रहा है, पैसे लेकर 45,000 में आप बनारस चले जा रहे हैं, 5,000 रुपये में आप, 5,500 रुपये में आप रांची से बोकारो चले जा रहे हैं, और हर अस्पताल परिसर में यही कुछ देखने को मिला है। तो धनबाद में भी अगर एम्बुलेंस जारी होगी तो आप अब उसे शक भरी निगाह से देख सकते हैं। देखिए शारिफ, एक तरह से कहें कि ये विश्वास के साथ धोखा है, कंप्लीट धोखा है, ये समाज के साथ धोखा है, ये आपराधिक मामला है, और यूं कहें तो एक भरोसे के साथ में कहीं ना कहीं विश्वासघात है ये, लबोलियाब यही है। अगर इस पूरे मसले को अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे एक मामला हाल ही में मैंने एक कवरेज किया था, और आपकी रिपोर्ट मुझे याद है, ये पिछले 28 मार्च की खबर मैं दिखाया था। वो मामला मैं आपको एक बता दूं फिर से कि पुरुलिया से 5 लोग जो हैं वो एम्बुलेंस करके
यात्री के वेश में उसमें सवार हो जाते हैं और उन्हें दरभंगा जाना है, बिहार के दरभंगा। आप समझ लीजिए कि उन सभी से 2,000-2,500 रुपए रेट तय हुए थे यहां से पहुंचाने तक, और उसके बाद उनसे ये कहा गया था कि लौटते वक्त भी गाड़ी के तेल और इसके अलावा एक्स्ट्रा 10,000 रुपया उन्हें देना होगा, और वो सभी लोग तैयार हो गए थे। यानी पुरुलिया से वो सभी वहां कहते हैं कि हावड़ा में काम करने वाले मजदूर थे जिन्हें ठेकेदार ने उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया था, और उन्हें कहा गया था कि बिहार आपको निरसा से पार कराने में दिक्कत नहीं होगी, तो एम्बुलेंस के जरिए वो लोग आए थे और एम्बुलेंस के जरिए वो जा रहे थे। मजेदार बात यह है कि वो लोग जीटी रोड को छोड़कर टुंडी जैसे जो नक्सल प्रभावित इलाका है उस इलाके में कटनिया गांव में प्रवेश कर रहे थे, और उसी दिन हम कवरेज कर रहे थे ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों से, क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों ने बैरिकेडिंग कर रखा था और बैरिकेडिंग के बीच से वो तेजी से निकल रहा था। तो मैंने ग्रामीण से पूछा कि इस क्षेत्र में कोई प्रॉब्लम है क्या, अभी एम्बुलेंस गुजरी है आप लोगों ने पूछा उससे, तो कहा कि नहीं मुझे तो नहीं पता कि ये क्यों जा रही है। और मेरे कहने के मात्र से ही ग्रामीणों की सजगता देखिए कि तुरंत उन्होंने आगे की ओर उन्होंने एक फोन किया 2 किलोमीटर आगे, और वहां पे ग्रामीणों ने उसे रोक लिया, चेक किया तो उसमें वो पांचों लोग बाहर निकले, और उसके बाद जैसे ही न्यूज 11 की टीम पहुंची उनमें डर पैदा हो गया और उन्हें लगा कि ग्रामीण कहीं पकड़ के उनके साथ कहीं मॉब लिंचिंग ना हो जाए। फिर पुलिस को भी सूचना दी गई और उन्हें एहतियात किया गया कि आपको जाना है तो बिहार आप जीटी रोड होके जाए जो सीधा रोड है, ये ग्रामीण क्षेत्रों की सड़क पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वहां जो बात सामने आई वो यही थी कि एम्बुलेंस चालक ने पैसे लेकर उन्होंने इन्हें झूठे तौर पे मरीज बनाकर और वो पूरी मोटी कमाई के साथ वो बिहार पहुंचा रहा था। सवाल यही है कि ये क्या है, लॉकडाउन के दौरान जिसको जहां भी है वहीं रुक जाना था, और कम से कम स्थितियां ऐसी थी कि जो जहां पे नियोक्ता था जो उसको नौकरी दिए हुए था उसको उतने दिनों तक तो उसके खिलाना पिलाना था या वहीं पर उसको रहना था, जी तो ये चीजों को लोग समझ नहीं पाए और लॉकडाउन लोग भी जो परेशानी दिखाने लगे कि हमें जाना है, जबकि सरकारें ये कह रही कि आप जहां हैं वहां रहिए आप तक वहां मदद पहुंचाई जाएगी, मगर शायद इस बात का विश्वास नहीं किया गया। के सिंह हजारीबाग से हमारे एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जी सिंह साहब स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। जी हाँ जी सिंह साहब स्वागत है आपका न्यूजीलैंड में। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए सर। मेरा सवाल था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में, हाँ सर मैं सुन रहा हूँ, मेरा सवाल है सर कि जो ग्रामीण क्षेत्र में जो मुख्यमंत्री जी बोले थे कि हर पंचायत स्तर पे आइसोलेशन वार्ड बनाया जाएगा, तो सर हमें एक्चुअल तो डाटा पता नहीं, लेकिन 442 से ज्यादा पंचायत है हमारे झारखंड में। केके सिंह साहब आपने बहुत सटीक सवाल उठाया है, मगर अभी हम दूसरे मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं, हम आपका नंबर नोट कर रहे हैं और जरूर आपसे हम संपर्क करेंगे और आपके इस सवाल का हम जरूर जवाब देंगे। तो एक खबर की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब झारखंड के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल रिम्स लेकर चलते हैं, जहां हर वक्त सैकड़ों एम्बुलेंस अस्पताल परिसर में खड़े मिलते हैं। आपको एक बुजुर्ग और पॉकेट में पैसे चाहिए, फिर एम्बुलेंस चालकों के साथ मिलकर खुलेआम लॉकडाउन की धज्जियां उड़ाइए। किसी भी टाइम माँ है 70 साल की है, तो उसका तो रेगुलर जो अपना चलता है आप समझिए रहे, कोई भी 60 साल से ज़्यादा का है तो शुगर है, ब्लड प्रेशर है, फलना सब। वाइफ है, 2 बच्चा है, सेक्टर 2 जाएंगे बोकारो। हरमू से जाना है। हरमू कहाँ पर है? हरमू गोल चक्कर देख रहे हैं ना, वहाँ से देखिएगा बाया अंदर पटेल चौक की तरफ जाता है, नीचे नीचे जाएगा। हाँ। नीचे पटेल चौक है। हाँ पटेल गोल चक्कर वहाँ से नीचे। हाँ बाया 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 सटा हुआ मैदाना सटा। हाँ मैदाना दाहिना तरफ में देखिए जनता फ्लैट है, 3 तल्ला दो तरह जनता फ्लैट है। आगे जाके पटेल चौक से पहले ही है, पटेल चौक से पहले दाहिना साइड। अच्छा ठीक है, वो हॉस्पिटल है वहाँ पर, हर में जाएगा गोल चक्कर वहाँ से उठा करके लेके चल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ हमें आना है तो पहले तैयार रहेंगे, 10 मिनट लगेगा 10 मिनट।
और कर वही 5000 का जवाब होगा। 5000 कम बेसी नहीं होगा भाई। हम आप लोगों को देख ही के भाड़ा बोला है, ऐसा बात नहीं कि नहीं आदमी देख के जेन्युइन नहीं बोला, समझ गए ना? हम सच बोल दिए थे, झूठ बोल के चलते नहीं तो हम भी आपको सच ही बोल दे, ठीक ना? अभी जो भी ड्राइवर जा रहा है ना, 1000 रुपये ड्राइवरी चार्ज ले ले रहा है, समझ गया ना? वो बूढ़ी मम्मी रहेंगे एक है ना, एक वाइफ, उनकी बहू हो गई, और दो बच्चा रखा बस ना, 5 साल ठीक है, वही 5000 50 रुपया हमारा वो काउंटर चार्ज लगेगा, अब 5000 रुपया वो गाड़ी वाला लगेगा। कौन गाड़ी जाएगा? गाड़ी जाएगा आपको इसको गाड़ी जाएगा। कितना देर पहले हमको बोल देना होगा जाने से? आपको जाने से 1 घंटा पहले इन्फॉर्म करना पड़ेगा। हमको कब जाना ठीक रहेगा, दोपहर की शाम? आपको जो समझ आना आपको अच्छा रहे, आपको जैसा आपको सीधा होना चाहिए आपके अनुसार, क्या है कि आप पैसा दे रहे हो तो आपको सीधा होना चाहिए ना। देखिए दोनों बात हम बोलते हैं, ठीक है? आप मेरा ये नहीं कि हम आपको बता के बोले नहीं नहीं चलिए चलिए सुबह 5 बजे भोर में, ये नहीं कि फिर हम आएंगे दूसरा ट्रिप मारेंगे। आप पैसा दे रहे हैं भैया तो आपको पूरा प्रीफ्रेंस मिलेगा ना, ऐसे थोड़ी ना है। आप जब बोलिएगा तब आपको गाड़ी मिलता, 1 घंटा पहले लगेगा आपको बोलना पड़ेगा कि हमको जाना है, चलना जाएगा, ठीक है ना? ऐसे बोलेगी आप लोगों को भी आइडिया होगा ना रूट का, इसीलिए आप इसी चलते तो हम आपको बोल दिए, कोई दिक्कत नहीं आपको, हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है। बूढ़ी मम्मी जाएंगे पेशेंट का, उनका 2 बच्चा रहेगा, एक आगे बैठ जाएगा एक मम्मी के पास बैठ जाएंगे, दिक्कत नहीं है हमको। और जो ज़्यादा आदमी रहेगा तो फिर दिक्कत होगा, इसी चलते हम एग्री भी हो गए आपको, क्या कि आदमी अभी ड्राइवर लेकर के 2 बच्चा है, एक आदमी है उसके साथ परिजन है, तो कोई कुछ नहीं कर रहा, नहीं तो बाकी तो इतना मार रहा उतर करके ना कि सब कहना नहीं है। हम लोग 2-4 को ड्राइवर लोग हैं तो उतर लाल हुआ क्या बोले बात, और जो मार खा कर आया उसका भी बोल रहा है कि जाएंगे भैया लेकिन पर चलेंगे खड़ा, हम लोग भी गाड़ी आप लोग है तो का हम लोग अपना देह भिंगाने के बल जाए, रिस्क लेगा तो भाई रिस्क लेंगे तो हम तो 2 पैसा लेवे करेंगे आपसे। तो कल जाना होगा तो मेरा नंबर नोट कर, 9955 9955 070 070 362 362। क्या नाम हुआ? संतोष नाम हुआ, अगर आप ही को फोन करना है वहाँ तो फिर हम तो उसको उधर काउंटर का मालिक है, सुबह में हम ही रहेंगे, ऐसा बात नहीं है, हम काउंटर से बोल रहे हैं, नहीं ठीक है, आपको अलग नहीं बोल रहे हैं। एक नंबर और लिख लीजिएगा अगर डिस्टर्ब हुआ तो, 8102 तो आम दिनों में जब एक प्राइवेट गाड़ी को आप हायर करते हैं तो ड्राइवर या जो उस एजेंसी की गाड़ी है उसके कई शर्तें होती हैं, मगर यहाँ कोई शर्त नहीं है। आप 1 घंटे पहले बोलिए आपको गाड़ी मिल जाएगी, जो शर्तें आपको आप ड्राइवर शर्त आपके सामने नहीं रख रहा है, सीधे तौर से कह रहा है कि आप पैसा दे रहे तो आप बोलिए कि क्या शर्त, क्योंकि बहुत मोटी रकम उन्हें मिल रही है। अविनाश का रुख करेंगे जिन्होंने स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया है। अविनाश समय की कमी है मगर फाइनल आपसे कमेंट लेना चाहेंगे, क्या पूरा एक्सपीरियंस आपका रहा और क्या सुझाव है आपका? ये सारी एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा और मैं ये कह सकता हूँ कि सब शुरुआत में ही मैंने कहा कि जिस सेवा के नाम पर ये व्यवस्था पूरी टिकी हुई है, खासकर अगर हम मरीजों की बात करें उनके परिजनों की बात करें, उस सेवा को अगर आप पैसे में तब्दील कर रहे हैं, अगर मुद्रा मोचन सेवा के नाम पर कर रहे हैं, खासकर तब जब लॉकडाउन हो, और बार बार बात वही कि आपका ये एम्बुलेंस अगर वैसे लोगों के लिए, वैसे धनसेठों के लिए, उनके मन मुताबिक जगह पर समय पर पहुंचाने के लिए अगर तत्पर रहेगा और उसी वक्त अगर कोई दर्द से कराता हुआ व्यक्ति अस्पताल नहीं पहुंच पाए, संभवतः भगवान आपको कभी माफ नहीं कर सकता है। इसी लॉकडाउन के इस पूरे दौर में आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आप जिस सेवा में जुड़े हैं, पैसा ज़रूरी है सबके परिवार के लिए, उसके परिवार चलाने के लिए, पेट भरने के लिए, लेकिन आप कुछ ऐसा ना करें जिससे सबसे पहले इस संक्रमण के दौर में आप किसी नए
लोगों को न्योता दे रहे हैं, संक्रमण को बढ़ाने में अपनी भूमिका को अदा कर रहे हैं, और दूसरी बात एक ऐसे मरीज के साथ भी आप नाइंसाफी कर रहे हैं जिसे समय पर अस्पताल पहुंचना चाहिए था, लेकिन आपकी वजह से वो अस्पताल नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि जो जेनविन मरीज है वो आपसे बहुत जाहिर तौर पर ये सोचना है उन एम्बुलेंस चालकों को, उन एजेंसियों को जो इस तरह के चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं कि उनकी पैसे कमाने की जो भूख है किसी जेनविन मरीज की जान ना ले ले। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, आपका महत्वपूर्ण खबर आपने दर्शकों तक पहुंचाई है, महत्वपूर्ण जानकारियां दी है। सत्यव्रत आपका भी बेहद शुक्रिया, अभिषेक आप लगातार जुड़े रहे आपका शुक्रिया, प्रभात हमारे सहयोगी जमशेदपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे उनका भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही, देखते रहिए न्यूज़ 11 भारत।